गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः, शब्द परिचय। परंतु पाठ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ, जिससे पाठ को समझना बहुत आसान होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले चषकः यानी ग्लास, बृहद मीन्स बड़ा, सौचिकः यानी दर्जी, खेलति यानी खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जतः गरजते हैं, उच्चै मतलब जोर से, एतौ ये दोनों, भुक्तः यानी भोगते हैं, बलिबर्दौ यानी दो बैल, धावतः यानी दौड़ते हैं, कर्षतः यानी जोत रहे हैं, वृद्धः यानी बूढ़े या बुजुर्ग, गायन्ति गायन करते हैं, हसन्ति हंसते हैं, स्यूतः यानी थैले, हरितवर्णः यानी हरे रंग के, और नीलवर्णः यानी नीले रंग के। अब हम पढ़ते हैं शब्द परिचय। एषः कहा, देखिए इसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है कि ये क्या है। जब हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, यह क्या है। एषः चषकः, यह ग्लास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। सः कः, वह कौन है। सः सौचिकः, मतलब वह दर्जी है। सौचिकः किम करोति, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सः वस्त्रं सीव्यति, वह कपड़े सिल रहा है। अब देखिए इसी क्रम में एतौ कौ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहाँ पर दो कुत्ते हैं तो हम उनके लिए क्या यूज़ करेंगे। तौ मीन्स एतौ कौ, कि वो दोनों कौन हैं। एतौ सुनकौ इस्तः, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या वे गरज रहे हैं। न एतौ उच्चै भुक्तः, वो तो जोर से भौंक रहे हैं। तौ कौ, ये दो कौन हैं। तौ बलिवर्दौ इस्तः, ये दो बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दौड़ रहे हैं। न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे खेत जोत रहे हैं। एते के, ये क्या हैं। एते स्यूतः सन्ति, ये बैग हैं। किम एते हरितवर्णः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नीलवर्णः सन्ति, ये तो नीले रंग के हैं। ते के, ये कौन हैं। ते वृद्धः सन्ति, ये बुजुर्ग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे गाना गा रहे हैं। नहीं ते हसन्ति, वे तो हंस रहे हैं। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आया। हमने पहले शब्दार्थ पढ़े तो हमको अच्छे से पाठ समझ में आ गया। ऐसे ही जब भी हम लेसन पढ़ेंगे सबसे पहले हम उनके शब्दार्थ पढ़ेंगे। बाय बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।